मुझे एक शब्द समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ अंग्रेजों के बीच कैसे रहेगा? ये नहीं रह रहा पंजाब में, इसको आता है भाषा पंजाबी का। 100 साल राज करके गए अंग्रेजों पे, हमने तो नहीं इनसे पूछा था कि भाई हिंदी आती है क्या? जब हमने इनको नहीं रोका था तो ये कौन होते हैं हमको रोकने वाले? सो जनरली मूवीज दो प्रकार की होती हैं। एक मूवी ऐसी होती है जो अपने ट्रेलर से ही अपने ऑडियंस को बहुत ज्यादा एक्साइट कर देती है और अपने पहले वीकेंड में यानी कि शुरू के 3 से 4 दिन में वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती है। और दूसरी वो मूवी होती है जिसके प्रमोशनल पीरियड में यानी कि सॉन्ग्स, टीजर और ट्रेलर के टाइम पे उतनी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती एज कम्पेयर टू टाइप 1 मूवीज। और ऐसी मूवीज जो है वो लॉन्ग रन में बिजनेस करती है। मैं बात कर रहा हूँ डंकी मूवी की। डंकी बेसिकली एक लाइट हार्टेड इमोशनल ड्रामा मूवी है अपने शाहरुख खान की इस साल की तीसरी मूवी राजकुमार हिरानी के साथ। अब राजकुमार हिरानी की मूवीज कैसी होती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो डंकी उन्हीं मूवीज में से है जो कि स्टार्टिंग में भले ही तुम्हें एक्साइटमेंट ना लगे लेकिन एक बार ही मूवी रिलीज हो जाती है और धीरे धीरे करके जब इसे ऑडियंस देखने लगती है तो ऐसी मूवीज का वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रांग होता है। भले ही ऑडियंस शुरू में इसके लिए एक्साइटेड ना हो लेकिन जब लोग इसके बारे में बात करने लगते हैं, जो कि जाहिर सी बात है इन मूवीज के बारे में बात होती है क्योंकि ऐसी मूवीज सोशल इशूज के ऊपर बेस्ड होती है, सोशल इनसिक्योरिटीज को एम्ब्रेस करती है और ऐसे इन मूवीज का वर्ड ऑफ माउथ बढ़ता जाता है और इवेंचुअली ये मूवीज लॉन्ग रन में चलती है। और जहां जो अपनी टाइप 1 की मूवीज होती है वो स्टार्टिंग के 1-2 वीक में अपना मेजर ऑफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती हैं, उसके बाद वो डेड हो जाती हैं। वहीं टाइप 2 की मूवीज 1-2 वीक में थोड़ा कम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेंगी लेकिन आगे के 3-4-5 वीक में अपने स्टार्टिंग वाले फेस को रिकवर कर लेती हैं। अब अगर मैं टाइप 1 मूवीज का रीसेंट में से एग्जांपल दूं तो सालार और एनिमल 2 ऐसी मूवीज हैं जो कि इस कैटेगरी में फॉल करती हैं। ट्रेलर से ही एक्साइटमेंट हो जाती है ऑडियंस के बीच में और इनका वीक 1 और वीक 2 का कलेक्शन बहुत ज्यादा रहता है। जहां एनिमल ने अपने स्टार्टिंग के 3 दिन यानी कि अपने पहले वीकेंड में 356 करोड़ का बिजनेस किया जो कि एक्सट्रीमली इंप्रेसिव है क्योंकि वो मूवी R-rated है प्लस उसका सैम बहादुर के साथ एक क्लैश भी था, उसके बावजूद इतने इंप्रेसिव नंबर लाना मतलब बहुत बड़ी बात है। खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर हम डंकी के ट्रेलर की बात करें तो डंकी का ट्रेलर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हमें नहीं दिखा था और मेजॉरिटी ऑडियंस जो कि लोकल पीपल है उनके अंदर ये मूवी उतनी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं बना पाई अपने ट्रेलर की हद से। एंड यही वो रीजन है कि मैंने स्टार्टिंग में आपको वो दोनों मूवीज का फेनोमेना एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली में मूवीज कैसे अपनी अर्निंग करती हैं और कैसे अपनी ऑडियंस को ग्रैब करती हैं। तो डंकी भी उन्हीं टाइप 2 मूवीज की तरह है जिनका ट्रेलर भले ही तुम्हें अभी एक्साइटिंग ना लगे लेकिन वर्ड ऑफ माउथ के चलते ये मूवी लॉन्ग रन में चलेगी। अब इन टाइप 2 मूवीज की स्पेशलिटी पता है क्या है? अब हो सकता है कि टाइप 1 की मूवी यानी कि सालार 14 या 15 जनवरी तक थिएटर से निकल जाए लेकिन डंकी नहीं निकलेगी। डंकी जनवरी एंड तक या फिर मिड फरवरी तक लगी रहेगी क्योंकि लोग उस मूवी के थिएट्रिकल रन के लास्ट वीक्स में भी मूवी देखने जाएंगे बिकॉज ऑफ दैट वर्ड ऑफ माउथ थिंग। ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर हमें स्टार्टिंग में अपने कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराता है, थोड़े बहुत डायलॉग्स उन्हें दिए जाते हैं और शायद तक ये कैरेक्टर्स कॉमेडिक रिलीफ भी देते रहेंगे हमें बीच बीच में मूवीज में। और इस ट्रेलर के सेकंड हाफ में हमें थोड़ा बहुत ड्रामा दिखाया जाता है, थोड़ी इंटेंसिटी बिल्ड करने की कोशिश की जाती है कि एक्चुअली में ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं। एंड इस पूरे ट्रेलर को देखने के बाद काफी सारे इवेंट्स जो हैं वो ऑब्वियस हो चुके हैं इस मूवी से रिलेटेड। और अगर इस ट्रेलर में थोड़ा और डीप में जाऊं, इनका ब्रेकडाउन करने बैठूं तो मोस्ट प्रोबेबली कोई बड़ा स्पॉइलर मिल जाएगा अपने को मूवी से रिलेटेड, जो कि मैं ऑफ कोर्स अवॉइड करना चाहता हूं क्योंकि राजकुमार हिरानी की जितनी पिक्चर है उनको तुम एज अ सरप्राइज एलिमेंट लो तो ज्यादा बेहतर काम करती है। उन मूवीज को तो बेसिकली बस जाओ तुम थिएटर में और देख लो, ट्रेलर और टीजर भी देखने की जरूरत नहीं है, असली मजा मूवीज का तभी है। बाकी इस टीजर में से एक चीज के बारे में जो बात करना चाहूंगा वो है ये शॉट पूरे ट्रेलर में से स्टैंड आउट करता है। एंड फॉर श्योर यहाँ पर रेड चिलीज वाले बस अपना VFX शो ऑफ कर रहे हैं कि वो किस लेवल का काम कर सकते हैं, काफी ज्यादा इंप्रेसिव है ये वाला VFX शॉट। बाकी और कुछ खास तो था नहीं इस ट्रेलर के अंदर जिसके बारे में बात की जाए, तो ये वीडियो शॉर्ट ऑफ एक रिव्यू वीडियो नहीं होगा बल्कि एक ओपिनियन वीडियो होगा जहां पे मैं बस अपना ओपिनियन दे रहा हूं डंकी के ट्रेलर को लेके। अब जितनी भी बातें मैंने इस वीडियो के अंदर कही डंकी को लेके, डंकी के ट्रेलर को लेके, ये मत समझ लेना कि मैं SRK का हेटर हूं। मैं बस अभी एक्सपेक्टेशंस को हाई नहीं रख रहा, काफी न्यूट्रल एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहा हूं ताकि मूवी मुझे और भी ज्यादा इंप्रेस करे और मैं मूवी को अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाऊं। बाकी आपके क्या ओपिनियंस है इसी डंकी के ट्रेलर को लेके कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी मेरा नाम है अवि एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अवि।